तीन महीने बाद जब मेरे हाथ की बनी रोटियां फाइनली गोल निकली तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा, इंडिया पाकिस्तान शेप वाली रोटियां वापस लाओ ना पापा, ये बोरिंग राउंड वाली अब नहीं चलेगी। जब बोला कि ऑफिस जाना पड़ेगा तो कहती है, बॉस से मेरी बात कराओ। इस 8 साल के गुंडे के लिए, इस 8 साल के गुंडे के डर से आप जो भी समझ लो, लेकिन बाहर तो जाना पड़ता है। ट्रैफिक जैम्स में मुफ्त के पकोड़े नहीं बट रहे होते, सारे जॉब्स वर्क फ्रॉम होम नहीं होते। आउटसोर्सिंग पर अगर ये कंट्री कायम है तो आउट किसी ना किसी को तो जाना पड़ता है, इसीलिए जज मत कीजिएगा, लेकिन बाहर तो जाना पड़ता है। सोशल डिस्टेंसिंग सीखना हो ना तो मेरे दोस्त जेरी से मिलेगा, शाम तक हैंड सैनिटाइज कराएगा और रात को आप ही का झूठा खा जाएगा। बचपन के इन दोस्तों को बहुत मिस करती हूँ मैं आजकल, लेकिन जेरी की मानो ना तो ये सब नजरिए की बात है। सेफ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सेफ सब कुछ ही है, तो फिर मैं भी मस्ती क्यों ना करूँ। बाहर अगर ना भी जाना चाहूँ तो थाने से कोलावा ऑफिस तो जाती हूँ। इस सवाल का जवाब मुझे इस बस में मिलता है जिसमें सवार मैं अपने ऑफिस जाती हूँ। मैं सावधान रहता हूँ, ये मुझ पे भरोसा करते हैं और मैं इन पे। सावधानी और भरोसा जब मिल जाए वहां दुनिया की सबसे कीमती चीज पाता हूं। इस 1 घंटे के सफर में मैं सुकून पाता हूं। वो देखो चौपाटी क्या मस्त चमक रहा है ना सनसेट में।